रे, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने बहुत चीजें डिस्कस की और कुछ नई चीजें भी शुरू की, तो होप आपका आशीर्वाद साथ में है। और हम जो वेद पुराण पर जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो लेके आ रहे हैं सीरीज, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो बच्चे भी वो स्टोरी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इस तरह हम अपने सनातन धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम आज की क्लास जो है नारद भक्ति सूत्र, और जैसा कि हम देखते हैं कि दो तीन ही सेक्शंस रह गए हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं। और एक बहुत शुद्ध भक्त ने हमें, नारद मुनि ने हमें नारद भक्ति में बताया कि किस तरह शुद्ध भक्ति जो है भगवान की जाती है। और उन्होंने हमें ये भी समझाया, हमने देखा इस बुक में, कि किस तरह से शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति और सिद्धि प्राप्ति, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, शुद्ध भक्ति में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मिश्रित भक्ति कैसी होती है। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत ही अच्छी बात देखी कि उनके जो श्लोकाज हैं वो हमारे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता या अन्य जो आचार्यज हमारे बताते हैं, षड गोस्वामी हमें बताते हैं, श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं, उनसे बहुत मैच करती है, है ना। उनसे उसे सिद्धांतों से हम काफ़ी देखे कि नज़दीकियाँ थी। तो हम देख सकते हैं कि एक तो शुद्ध भक्त जब एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है कि वो जो सिद्धांत होते हैं वो लगभग एक बराबर होते हैं, है ना, खाली शब्दों का अंतर होता है। तो शुद्ध भक्ति में जो डेफिनेशन है, हमने जो एनओडी में पढ़ा और भी ग्रंथों में पढ़ा, तो हम देखते हैं कि नारद मुनि ने सूत्र के रूप में उसको हमें शॉर्ट में बताया, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे सफर नारद भक्ति सूत्र समझने में, एक दो लोग कमेंट्स दे सकते हैं। यस यस प्रेमंजरी। हाय कृष्णा, बहुत अच्छा है माता जी, बेसिक से श्रद्धा से शुरू करा और एक एक स्टेप को समझाते चले, क्या रुकावट है, कैसे करना चाहिए, पूरा प्रोसेस छोटे में, और फिर उसके जो पर्पट्स दिए हैं वो पर्पट से बहुत हेल्प मिलती है, लिंकिंग होती है नॉलेजी से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको दोबारा से सुन के एक रिदम में फिर पढ़ना और भी लाभदायक हो। ऐसे भी अच्छा है, लेकिन ये हर जगह से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एक बार दोबारा सुनना, क्योंकि हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। अहेतु की सेवा माता जी, कैसा लगा ये सफर आपको? माता जी ये तो बहुत अच्छी किताब थी, क्योंकि हम भक्ति भक्ति सुनते तो रहते हैं, एक्चुअल में भक्ति मतलब नारद भक्ति सूत्र से ही पता लगा कि वो कितनी अमृतमय है, अमृत स्वरूपा है, मतलब हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए इसका मतलब बहुत अच्छे समझाई आपने। थैंक यू सो मच। और मुझे इस बुक में ये लगा कि जैसे हम हमेशा सुनते हैं साधु, शास्त्र और गुरु, तीनों एक ही बात करते हैं, है ना। तो हमने अपने गुरु की बात सुनी है, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से साधुओं को सुनने का मौका नहीं मिलता है, राइट। तो हमने जब नारद मुनि को पढ़ा तो हमने देखा कि ये वही बोल रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में बताई गई है, है ना, उन्हीं बातों को वो बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं, कुछ शब्दों में बता रहे हैं। लेकिन ये 82 श्लोक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो बुक है ये जो है बहुत ही ज़्यादा, ये जो श्लोक है थोड़े बड़े हैं, तो ये सूत्र नहीं है, ये सूत्रा है। तो लास्ट कंप्लीट करते करते नारद मुनि जो है और अच्छे से सिद्धि की प्राप्ति को बता रहे हैं। आइए हम शुरू करने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुण महात्म आसक्ति रूप आसक्ति पूजा आसक्ति स्मरण स्मरण आसक्ति दास्य आसक्ति वात्सल्य आसक्ति कांता आसक्ति आत्मनिवेदन तत्व भव आसक्ति परम विरह आसक्ति रूप एक्या अपि एक श्रद्धा भवति। तो क्या बता रहे हैं, तो पिछले में हमने देखा था किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्टेप वाइज, तो यहाँ पे उन्हीं स्टेप्स को बता रहे हैं कि यद्यपि भक्ति में सेवा एक है, नवदा भक्ति की बात होती है, तो वही बता रहे हैं कि नवदा भक्ति में सेवा की कोई भी एस्पेक्ट को आप ले ले एक ही है, लेकिन यद्यपि वो 11 प्रकार की आसक्तियों में विभक्त हो जाती है ना। तो 11 प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। गुण महात्मा आसक्ति,
रूप शक्ति, मूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति और विरहा शक्ति। यह अंतिम आसक्ति परम आसक्ति है, यानी ये जो लास्ट वाली है विरह आसक्ति, इट इज अ सुप्रीम टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं नारद मुनि कि रस के आधार पर प्रगति होती चली। तो जैसे पहले शांत होता है, दास्य होता है, साख्य होता है, वात्सल्य होता है, माधुरी होता है, फिर माधुरी दो भागों में विभाजित हो जाता है, परकिया भाव और स्वकिया भाव, है ना। जो परकिया रस होता है, विरह रस होता है, ये जो होते हैं ये सबसे टॉप मोस्ट रस होता है। तुमने श्रीमद् भागवतम में ये पढ़ा था और इसको एक्सप्लेन भी हम प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से किया। सेम यही बात यहाँ पे देखिए, हमारे जो मेन ऋषि है नारद मुनि, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी सेम बात यही कह रहे हैं कि भक्ति, अभी हमने पढ़ा ना सिद्ध अवस्था में, उन्होंने बताया कि ये करिए तो ये सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था के लोगों में ये लक्षण होते हैं, ये लक्षण होते हैं। लास्ट में देखा कि मन, वचन और शरीर की सत्यता का प्रयोग करने वाले के लिए ही भक्ति अनमोल संपत्ति होती है ना। कि जो लोग, किसको भक्ति चाहिए, जो मन वचन और शरीर से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उसी तरह से भक्ति जो है विभिन्न रसों में जाती है, अलग अलग रस से संबंध एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात आपको, जैसे आप जब भक्ति शुरू करते हैं तो बताया जाता है कि हरि नाम जप करने से हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम, जब हमको बताया जाता है कि हम जप करें और सुने, है ना। लेकिन आप देखिएगा कि टेक्निकली अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा संबंध नहीं इस्टैब्लिश होता है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये जो टेक्निक है ये ज्ञान मार्ग है कि हम शब्दों को सुने और बोले, है ना। जो हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले और सुने, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस काम नहीं आता है। काम कब करता है, जब हम संबंध ज्ञान को ठीक से समझते हैं। भगवान, जीव जब अपना संबंध भगवान से समझता है, वो कौन है, कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, अचिंत भेदा भेद तत्व से वो भगवान और अपना रिलेशन जब एस्टैब्लिश करता है, समझता है, तो ऑटोमेटिकली ही हमारा भक्ति में, चैंटिंग करने में आकर्षण, भाव और बाकी चीजें आने लगती है, ठीक है ना। तो शुरू के भक्तों के लिए तो अच्छा है कि आप जो बोलिए वो सुनिए एटलीस्ट, क्योंकि मन में काफी चीजें चलती रहती है तो थोड़ा सा मन को हटाने के। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग से भगवान की प्रीति को इतना नहीं समझ सकते, प्रीति को समझने के लिए संबंध ज्ञान में प्रवेश करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? हमें इस विषय को केवल पढ़ना नहीं है, बार बार सोचना है कि मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत दासी हूँ। और ये संबंध ज्ञान कैसे डेवलप करना है, पहले तो ज्ञान के रूप में करना है, फिर जिन भक्तों ने डेवलप किया उनकी सेवा करनी है, उनके साथ रहना है, उनके साथ देखना है, और फिर हमें देखना है कि कैसे हम इस संबंध ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, है ना। तो जो 24 आवर संबंध ज्ञान में रहते हैं, आप देखिए उनकी हर क्रिया ऑटोमेटिकली प्रेम नहीं रहती है ना, उनको मन लगाना नहीं पड़ता, उनको कोई सेवा के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है, उनकी भक्ति रागानुका या रागात्मिका होती है ना। देखा है आप लोगों ने, मैं सही बोल रही? जब आप किसी से संबंध एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो इस संबंध से हमारी जो रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है, सजीवता आती है, अपनापन आता है, और जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उसको याद करना, उसके बारे में उसकी सेवा करना, 24 आवर्स का चिंतन करना सरल हो जाएगा ना, है ना। तो ये यही बात यहाँ पे नारद मुनि भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नारद मुनि क्या करे कि 11 प्रकार से भगवान में आसक्तियों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल हमको चलना नहीं है, केवल चैंटिंग नहीं करनी है, भगवान के साथ कुछ संबंध एस्टैब्लिश करना, आसक्ति एस्टैब्लिश करनी है। तो क्या आसक्ति? क्योंकि पहला है कि नारद मुनि ने शिक्षा दी थी कि भक्ति सत्य को जानने की पद्धतियों में सर्वोत्तम है। उन्होंने सिद्धि तक पहुँचने हेतु विधि निषेध की व्याख्या की। उन्होंने हमें बताया कि हमें भक्ति का अनुभव करना है तो बताया कि वो परमोच्च आनंद है। अब वे भक्ति में सेवा करने के विभिन्न प्रकारों को सूची कर रहे हैं कि भक्ति के स्वच्छता को निर्देश करती है। यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि नारद एक सैद्धांतिक प्रबंध प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः कृष्ण की व्यवहारिक सेवा की विधि जाने बिना
हमें नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन समाप्त नहीं कर देना चाहिए, है ना। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने लास्ट में ये पूरी जो रस के बारे में बताया कि इन जो रस 11 प्रकार के जो रस है, इस किसी भी एक में भी किसी व्यक्ति को एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है या सभी में एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है, जिससे कि वो संबंध ज्ञान विकसित करके भगवान के साथ प्रगाढ़ता ला सकता है। एक बार एक कॉलेज में छात्र श्री प्रभुपाद से मिलने आया, उसने बताया कि भगवद्गीता को पहले ही पढ़ रखा है। उसने कहा कि मैंने भगवद्गीता पढ़ रखा है। तो श्री प्रभुपाद ने किया, ओ तुम्हारा क्या निर्णय है? छात्र ने स्वीकार किया कि गीता अपने अध्ययन के पश्चात वो किसी विशिष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचा। उसने भगवद्गीता पढ़ी लेकिन वो कोई निर्णय नहीं दे पा रहा था। श्री प्रभुपाद ने वर्णन किया कि भगवद्गीता का निर्णय ये है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। यह कि भक्ति को अन्यान समस्त धर्म प्रतियोगिता का परित्याग करके उनकी सेवा करनी चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये निष्कर्ष है भगवद्गीता का। तब भगवद्गीता के बुद्धिमान पाठक को इसे जानना चाहिए तथा भक्ति में सेवा को ग्रहण करना चाहिए। सब धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणम हो गया, यानी भक्ति करनी चाहिए कृष्ण को। इसी प्रकार यहाँ भक्ति सूत्रों की समाप्ति पर नारद हमें बता रहे कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, संबंध ज्ञान में भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्लियर हो गया? जब तक हम कोई संबंध नहीं, प्रभुपाद कहते हैं, मान लीजिए अगर आप कंडीशन अवस्था में हैं, आपको नहीं क्लियर है कि भगवान की इसके साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए, तो उस अवस्था में बेस्ट है कि हम दास्य रस से शुरू करें, भगवान को अपना मालिक मान लें और अपने को दास के रूप में रखकर हम अपनी सेवा शुरू करें। जैसे जैसे भक्ति कर हमारी शुद्धता होगी, हमारी मानसिक अवस्था होगी, धीरे धीरे हमारा स्वरूप अपने आप प्रकट होता है। क्लियर हो? तो जब तक हम कंडीशन स्टेज में हैं, हमें दास रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए। फिर किसी विशेष रस से अगर आपको लगाव की अनुभूति होती है, साख्य वात्सल्य माधुर्य या स्वकीय प्रक्रिया, कोई भी आपको भाव जो पसंद आता है, आप उस भाव की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते जाएंगे, अपने आप आपका स्वरूप होता जाएगा। लेकिन वो उस बहुत दूर की अवस्था है, वो आसक्ति और भाव प्रेम की अवस्था में सब चीजें प्रकट होना हल्का हल्का शुरू होती है, प्रतिबिंबित होती है। तो अवश्य कृष्ण के साथ रस मुक्त भक्तों के लिए उन्हें मनमाने ढंग से ग्रहण नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा नहीं कि हम जैसे कि आप जाते हैं राधा कुंड में गए और भी जगहों पे जाते हैं तो लोग ज्यादा भावुक रहते हैं, सैद्धांतिक व्याख्या नहीं करते, वो सीधे साधना भक्ति से प्रेम भक्ति, है ना। जबकि साधना और प्रेम भक्ति के बीच में भाव भक्ति भी है, लेकिन वो सीधे जंप करते हैं, सीधे हमें स्वरूप सिद्धि की तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसमें सहजियापन आ जाता है, उसमें हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी सेवा हमारे गुरु द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए। हमारे जो भी गुरु हैं वो जिस तरह से हमें बताते हैं उस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हमारे जो रूपानुग जो है, हमने भी पढ़ा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने पढ़ा कि हमें रागानुगा भक्ति ही करनी है, रागात्मका भक्ति की तरफ ही जाना है, लेकिन हमें विधि विधान का पालन करना चाहिए। तो हम विधि विधान का पालन करते हुए रागानुगा भक्ति करते हैं। हमारा लक्ष्य है रागानुगा भक्ति, हमारा लक्ष्य है। बोला गया शास्त्र में एकदम, रूप गोस्वामी ने बताया है कि यदि हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है भाव भक्ति, समझ रहे हैं, भाव भक्ति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है ना। तो विधि विधान का पालन क्यों करना है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने बताया, आपने देखा भी कि अनेक शास्त्रों का एग्जाम्पल देके बताया, जब हम विधि विधान का पालन करते हैं तो भगवान के लिए लोभ प्रकट होता है ना। जैसे हमें बताया गया 16 माला करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, मंगला आरती आना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब हम इसको पालन करते हैं, भक्तों की भक्ति के साथ धीरे धीरे जब पालन करना शुरू करते हैं, प्रेममयी सेवा जब धीरे धीरे करना शुरू करते हैं भगवान से, तो हम देखते हैं सेवा के लिए फिर भगवान के लिए लोभ होता है ना, हम ये भी करें, हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें। तो ये विधि विधान हमारे आचार्यों का है, चाहे हम सिद्धि की अवस्था भी प्राप्त कर ले तब भी हमको ये विधि विधान का पालन करना चाहिए। सहजिया नहीं बनना, कहीं पर भी सहजिया को सपोर्ट नहीं किया रूप को सामने। हमेशा कहा है कि जितने भी उत्कृष्ट भक्त भी हो जाते हैं, अंदर से वो भगवान के प्रेम को भी प्राप्त किए रहते हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप को नव दीक्षित भक्त की तरह दिखाते हैं। वो कभी नहीं क्लेम करते कि वो भगवान की बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त किए हैं।
इसीलिए हमारे जो परंपरा है इस्कॉन में, इसमें आप देखिए सन्यासी भी हैं, है ना, बहुत ऊंचे पद पर भी हैं, लेकिन वो सुलमाला जप करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, है ना, भगवान का प्रसाद खाते हैं, उसी तरह से वो नियम को पालन करते हैं, क्योंकि विधि विधान का पालन करने से भगवान में लोभ रहता है और यही लोभ जो है लौल्य बन जाता है, प्रेम प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक मेन आकर्षक सीढ़ी बन जाता है। तो ये भक्ति रसा में सिंधु में रूप गोस्वामी ने समझाया, इसलिए हमें हमेशा विधि विधान का पालन करना चाहिए, लेकिन केवल विधि विधान हमारा लक्ष्य नहीं है, हम विधि विधान का उतना पालन करते हैं जिससे हम भगवान में आगे चल के राग उत्पन्न कर सके। तो रागानुगा भक्त वो होते हैं जो रागात्मिका भक्त का अनुसरण करते हैं, उनकी अध्यक्षता में रहते हैं, जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है उनके अंडर में रहते हैं, तो ऐसे भक्त सीधे गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। अगर आप केवल वैधि भक्ति कर रहे हैं तो आप कहाँ जाने वाले हैं, ज्ञान मार्गी बने, है ना, तो ज्ञान मार्गी हमारा लक्ष्य नहीं है, हम विधि विधान का उतना पालन करते हैं कि हम सहजिया ना बने। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यही यही बात जो है नारद मुनि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिये भक्ति रसा में सिंधु ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी, जो इस ग्रंथ को नहीं समझता वो ठीक से भक्ति नहीं कर सकता, न ही सिद्धांतों को ठीक से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा, उसके चॉइसेस में भी हमेशा मिश्रण रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, एस्पेक्ट हैं, पहले तो खुद क्लियर होना चाहिए कि हम हमारे जो परंपरा है इसमें क्या पालन हो रहा है। तो वैदि उन्मुख रागानुगा भक्ति हम करते हैं, वैदि भक्ति जो कि रागानुन्मुख हो वो भक्ति हम करते हैं, हम प्योर वैदि भक्ति का पालन नहीं करते, न प्योर हम रागानुगा भक्ति का पालन करते, हम रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करते हैं, लेकिन हम सहजिया न बन जाए इसलिए विधि विधान का पालन। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नारद मुनि कह रहे कि हमारी सेवा हमारे गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो गुरु जो है जिस तरह से मेरे बताते हैं, तो हमारे परंपरा में मैंने बताया कि हम लोग को सदैव विधि विधान का राग पालन करते हुए रागानुगा भक्ति की तरफ आना चाहिए, ऐसा हमारा है। तो ये हमारी मनो शारीरिक प्रकृति के अनुसार हमारी शुद्धता की सबसे प्रभावपूर्ण विधि द्वारा सेवा करने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा? गुरु का मार्गदर्शन, है ना, हमें भक्ति के प्रोग्रेस में मदद करेगा। किंतु प्रारंभ में हम कम से कम ये जान सकते कि भगवान कृष्ण अनेक प्रकारों से अपने नित्य मुक्त पार्षदों पर सेवित होते हैं। हमारी निजी सिद्धि यह पहचानना होगा कि हमें अपने हृदय में संपूर्ण सामर्थ्य से उनकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो नारद मुनि बेसिकली बता रहे हैं कि हर जीव का एक स्वरूप है, भगवान के साथ संबंध है, पढ़े हरे कृष्ण। So, यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि जो नित्य युक्त पार्षद के रूप में जो हमारा स्वरूप है वो कैसे विकसित होगा, धीरे धीरे विकसित होगा जब हम ठीक से किसी गुरु के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति करेंगे। लेकिन भगवान के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है ना, जब हम संबंध ज्ञान डेवलप कर लेंगे कि भगवान हमारे मालिक है या भगवान हमारे स्वामी हम उनके दास है, ऐसा सोचकर जीव जो है अपनी भक्ति शुरू कर सकता है। तो जब हम संबंध ज्ञान रखते हैं, और नारद मुनि ने जितने भी हमारे बताए हैं 11 प्रकार की आसक्तियां, उनमें से कोई एक में भी अगर हम इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के बारे में और अपने बारे में ठीक से रिलेशन को समझ पाएंगे। भक्त भगवत भक्तों द्वारा की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की सराहना करते हैं, इस तरह इस बात का अध्ययन करते हैं कि भगवान के साथ अपने विशिष्ट संबंध में कैसे सिद्धि हो सकती है। तो नारद के भक्ति के 11 प्रकार प्रहलाद महाराज द्वारा भी शिक्षित भक्तों में 9 विधा के रूप में भक्ति रसा सिंधु में रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित है। इसका कृष्ण के साथ 5 मुख्य रसों में सम्मिश्रण प्रतीत होता है। भक्ति की 9 विधियों में से एक के अभ्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त करके भक्तों के उदाहरण निम्नलिखित है। अपने सबने पढ़ा है कि 9 विधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताया है, है ना, और एक एक विधा का भी पालन करके लोग सिद्धि प्राप्त किए, और सभी का भी पालन किया जा सकता है। जैसे महाराज परीक्षित थे, उन्होंने श्रवण श्रवण
इको आ रहा माता जी, अभी ठीक है? यस माता जी। तो जब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है तो ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है, तो जैसे आज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादा अच्छी टॉपिक्स हैं, तो भगवान हमें थोड़ा कह रहे हैं कि वाणी के वेग को थोड़ा हम ठीक करें, ताकि हम बार बार चीजों को ठीक से एक्सप्लेन कर पाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, आप लोगों की लास्ट अपनी कब कहा तक सुना था कि जो नौ प्रकार से है, ये सुना आप लोगों ने? तो प्रहलाद महाराज ने भी भागवत में बताया है कि नौ प्रकार से हम इस तरह से भगवान से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और पहले भी लोगों ने इस तरह से भक्ति करके सिद्धि प्राप्त की है। और बताया कि पांच प्रकार के रस होते हैं मुख्य, जो कि भगवान के साथ रिलेशन में काम आते हैं। कौन कौन से? शांत रस, दास्य रस, सुखी रस, वात्सल्य और माधुर्य। इनमें से प्रत्येक रस से भक्त के विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार है। शांत रस में चार कुमार थे, है ना, और दास रस में हनुमान जी, तथा द्वारिका और मथुरा के विभिन्न सेवक जो है साख्य रस में थे। श्रीदामा, सुदामा, श्रुत कृष्ण, वात्सल रस में कृष्ण के माता पिता यशोदा मैया, नंद बाबा, है ना। माधुर रस में जो है द्वारिका और गोपियां जो है वो आती है माधुर रस में। तो सारे मुक्त भक्त पूर्ण दिव्य देवता में स्थित होते हैं, तथा एक भक्त अन्य की सिद्धि हेतु उत्कंठा नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है ना, जो जिस रस में रहता है वहां सेटिस्फाइड रहता है। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी जो है वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, और भी गोपियों को भाव सब जानते हैं, लेकिन वो अपने उनको भगवान की हनुमान के रूप में सेवा करके उनको राम के रूप में उनको सेटिस्फेक्शन। तो ये भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं विकसित होता है, ठीक है ना। हम जो नहीं है वो कर रहे हैं, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में हम जो रहते हैं, हमारा जो स्वरूप रहता है, जिस रस में, जिस तरीके से भगवान ने कहा ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से आता है, हम उस तरह से भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम सेटिस्फाइड करते हैं। परंतु वैष्णव आचार्य ने यह दिखाने हेतु कि रसों का विश्लेषण किया है, तो रस के आधार पर देखिए, रस के आधार पर उत्तरोत्तर जाया जाता है, उत्तरोत्तर मतलब आगे की तरफ जाया जाता है। दास से माधुर रस से तक भगवान के प्रति स्नेह की बुद्धि तथा भय आदर के भावों में कमी होती जाती है। समझ में आ रहा ना, ऐसा होता है ना, जैसे दास से जो रहेगा ज्यादा भयभीत रहेगा ना भगवान से, है ना। और साख्य क्या कहेगा, अरे तुम साइड में बैठो, हम तुम बराबर है, है ना। और माधुर्य में इससे ज्यादा, और धीरे धीरे उसमें जो है भय और आदर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब अन्यों के समस्त गुण माधुर्य में पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे जो उत्कृष्ट रस है वो है माधुर्य रस। और इसमें भी बताया कि माधुर्य में जो परकिया भाव है, विरह भाव है, वो ज्यादा उत्कृष्ट है। उसी तरह विरह से प्रेम का संबंध है, जिसे नारद आसक्ति की 11वीं परमोच्च अवस्था के रूप में निरूपित करते हैं। ये विशेष रूप से वृंदावन की गोपियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण से विरह की स्तुतिकरण भगवत प्रेम की सब संभव अभिव्यक्तियों से सर्वोच्च है। तब देखिए, जो नारद मुनि ने अभी ये जो बात कही कि सिद्ध अवस्था में 11 तरह से भगवान में आसक्त हुआ जाता है, और जो विरह अवस्था है वो सुप्रीम अवस्था है। तो हमने जो पढ़ा बाकी ग्रंथों में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में या अन्य गीता में, तो क्या उससे भेद है? एग्जैक्टली यही पढ़ा है ना आप लोगों ने भी, हाँ यही चीजें पढ़ी है ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो साधु हैं वो भी वही बोलते हैं जो शास्त्र बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो वृंदावन में कृष्ण के मित्रगण उनके प्रति शुद्ध साख्य का अनुभव करते हैं, तथापि सेवा भाव से उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। कृष्ण के माता पिता कभी भगवान को डांटते हैं, सोचकर उनका नन्हा बालक जो है सदैव स्वयं को उसके सेवक के रूप में समझते हैं। कृष्ण के माता पिता नंद बाबा ने एक बार उधर से कहा, हमारे मन तुम्हारे कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त रहे,
हमारी जिह्वा उनके पवित्र नामों को उच्चारण करे, हमारे शरीर उनके समस्त दंडवत पड़े रहे। चेतन चरितामृत में बताइए, वृंदावन की गोपियां भी स्वयं को कृष्ण की सेविका ही समझती थी। मतलब क्या बता रहे हैं कि उत्कृष्ट रस रह के भी भगवान को अपना मालिक और अपने आप को दास के रूप में रखा है। ये जो दास रस है ना, ये सभी रस में चलता है ना। अगर कोई किसी का फ्रेंड होता है तो भी उसका दास ही तो दास भी तो होता है, उसकी सेवा करता है ना अपने फ्रेंड की। कभी कोई दिक्कत होती है, कुछ होता है, उसको सर्व करता है। तो ये दास रस से हमेशा हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे परपोर्ट में बता रहे हैं कि जो उत्कृष्ट रस में भी होते हैं, माधुरी रस में रहेंगे, विरह गोपियां भी रहेंगी, वो भी भगवान को मालिक और अपने आप को दास के रूप में उनकी सर्विस करती है। श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, ये भागवतम 10:33:9 से लिखा है, हे मेरे प्रभु अपनी इस दासी पर स्वयं को प्रकट कीजिए जो आपके अनुपस्थिति कारण अत्यंत व्याकुल है। देखिए, अब छोटे छोटे भक्त जो हम लोग जैसे लगते हैं, क्या कहते हैं, हम कभी भी भगवान को देख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का कुछ भी कर सकते हैं। और जो भगवान के जो सुप्रीम भक्त श्रीमती राधा रानी है, वो क्या कह रही है, कृपया अपने आप को प्रकट कीजिए भगवान। भगवान का दास होना इतना शुभ और उल्लासमय है कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने ही दास का रूप धारण भाव करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अब सोच लीजिए, दास से यहाँ के जो भौतिक जगत है, यहाँ पे अगर दास बोला जाए तो सोचते अरे हम किसी का सर्वेंट बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे दास रस सर्वश्रेष्ठ रस है। उसमें इतना आनंद होता है कि भगवान उस आनंद को लेखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अतः वैष्णव भक्तों का दास बनकर समस्त भक्तगण भगवान के अपने प्रेमपूर्ण संबंध सर्वोत्तम प्रतिपालन करते हैं। हम भगवान के भक्तों का अविचल तथा स्वस्फुरित प्रेम, यानी स्वस्फुरित प्रेम मतलब कौन सा प्रेम, रागानुगा समझ में आया, रागानुगा सेवा में स्वयं को स्थिर करें तो कृष्ण हमारे प्रति स्वयं को प्रकट करेंगे और हमारे उनकी सेवा के नवीन अंतरण प्रकारों का निर्देश करेंगे। कब हम भगवान के साथ ऐसा कर सकते, जैसे हम अभी आप लोग के सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं ना, हमें देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसा ही हम भगवान के साथ कर सकते हैं जब हम रागानुगा भक्ति करेंगे, है ना। जब रागात्मिका भक्त के अंडर में हम रहेंगे, जो सदैव भगवान में के राग में रहते हैं, जिन्होंने भगवान से राग उत्पन्न कर लिया, जो भगवान से आत्मीयता उत्पन्न किए हुए हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं वो जो है हमें भी दर्शन कर सकते हैं, करते भी, वो खुद भी दर्शन करते हैं, हमें भी उनका दर्शन करा सकते हैं। हमने पढ़ा है ना, ओम तद् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवि चक्षुरादि जागृवा समिदते विष्णु यत् परम पदम। बोलते हैं ना हम कि जैसे साधारण आंखें सूर्य को देख सकती हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक में जो उत्कृष्ट भक्त है वो भगवान के धाम का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और केवल दर्शन नहीं कर सकते, हमें उनको दर्शन करा भी सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए और इस तरह से हम अपना भक्ति को विकसित करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमको संबंध ज्ञान जरूर डेवलप करना चाहिए, इतना तो निष्ठा भक्ति लेवल तक आ जाना चाहिए हमें, अनर्थ निवृत्ति को थोड़ा थोड़ा पार करके, कि हम ये समझ सके कि हम भगवान के हैं और भगवान की भक्ति करना ही हमारे जीवन में, उनकी प्रेममयी सेवा करना ही या उनका प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य। तो ये सब जब लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस्कॉन के द्वारा श्री प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया है ना, आज हमारे जो गुरुजन लोग हैं वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम दुर्लभ साधु संघ को प्राप्त करके ये सब चीजें समझ सकें, ठीक है। तो संबंध ज्ञान एस्टैब्लिश करना होगा और भगवान के साथ कोई ना कोई रस के साथ डेवलपमेंट करना होगा, नहीं है तो हम दास से भाव से कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने ये बहुत ही सुंदर श्लोक बताया कि इस तरह से जीव को आसक्त होना चाहिए, कुछ रिलेशन में भगवान के साथ होना चाहिए, जिससे प्रेम की ओर वो आगे बढ़ सकता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि।